वेलकम विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे पारिभाषिक शब्दावली और कल हमने ऐसे लेकर के ओतक जो मुख्य मुख्य पारिभाषिक शब्दावलियां हैं एग्जाम की दृष्टि से जिनका महत्व है वो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पी से लेकर के जेड तक जो मुख्य मुख्य पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे पी एल्फाबेट का जो पी अक्षर है उसकी। पार्ट टाइम, PARTTIME, पार्ट टाइम का मतलब होता है अंशकालिक। और जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि एग्जाम में अगर ये आ जाए पार्ट टाइम, तो इसका ये पार्ट टाइम नहीं लिखना है, इसका डायरेक्ट अपने को अर्थ ही लिखना है अंशकालिक। पार्ट टाइम का अर्थ डायरेक्ट अपने को क्या लिखना है? अंशकालिक। और हम सब जानते हैं कि पार्ट टाइम का मतलब जैसे कोई व्यक्ति जॉब करता है, जॉब का मतलब कार्य, जैसे कोई व्यक्ति जॉब करता है 6 घंटे इधर करता है 3 घंटे उधर करता है, 6 घंटे एक जगह करता है और 3 घंटे एक जगह करता है, 9 घंटे काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम अंशकालिक। उसी प्रकार से आगे है पेंशन, PENSION, पेंशन का अर्थ होता है पेंशन। ये हमने अब देखो इंग्लिश में भी इसको पेंशन बोलते हैं और इसका हिंदी अर्थ भी पेंशन ले लिया जाता है। ये पेंशन को पेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं वो हिंदी में जैसे कि तैसे रख लिए जाते हैं और इससे हिंदी जो है वो प्रभावी हो जाती है। तो पेंशन का हमने पेंशन देखा, स्पेलिंग क्या है? PENSION, पेंशन को पेंशन कहते हैं। एक है परमिट, जैसे मान लीजिए कि रोड पे चलने का परमिट है क्या? परमिट का मतलब होता है अनुज्ञा पत्र, PERMIT, परमिट का अर्थ होता है अनुज्ञा पत्र। उसी प्रकार से पोल्यूशन, वास्तव में इसकी भी दिन प्रतिदिन जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। पोल्यूशन, पोल्यूशन का अर्थ होता है प्रदूषण। और इसकी मीनिंग्स क्या होगी? PULLUTION, पोल्यूशन का अर्थ होता है प्रदूषण। ठीक उसी प्रकार से पॉलिसी, POLICY, पॉलिसी, पॉलिसी का अर्थ होता है नीति। पोल, POLL, पोल का अर्थ होता है मतदान। हम वोट दे करके, मतदान पेटी में मत डाल करके हम अपने चहेते उम्मीदवार को जिताते हैं, तो उसके लिए होता है पोल। पोल का मतलब होता है मतदान। प्रोजेक्ट, PROJECT, प्रोजेक्ट का अर्थ होता है परियोजना। प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। कोटेशन, QUOTATION, कोटेशन का अर्थ होता है दर सूची। उसी प्रकार से आगे की जो मीनिंग्स हैं, मुख्य मीनिंगों में से जो मीनिंग है आर की देखते हैं। आर से रैंक, RANK, रैंक का अर्थ होता है पद भी होता है और श्रेणी भी होता है। रैंक के दो अर्थ होते हैं, पद भी और श्रेणी भी। उसी प्रकार से आगे देखते हैं रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड का मतलब होता है कीर्तिमान या अभिलेख, कीर्तिमान भी कहते हैं और उसको अभिलेख भी कहते हैं। उसी प्रकार से रेवन्यू, REVENUE, रेवन्यू का मतलब होता है राजस्व, है एक विभाग होता है राजस्व विभाग। रिकवरी, RECOVERY, रिकवरी का अर्थ होता है वसूली। रिकवरी का अर्थ होता है वसूली। उसी प्रकार से है रिजर्वेशन, RESERVATION, रिजर्वेशन का अर्थ होता है आरक्षण। विद्यार्थियों, जैसे हम मान लीजिए कि ये रिजर्वेशन आ गया, एग्जाम में रिजर्वेशन आ गया, इसको हम पढ़ेंगे RESERVATION, तो हम सीनियर के स्टूडेंट अक्सर समझ जाते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन मस्तिष्क में आ जाएगा रिजर्वेशन है ये, और इसका ये अर्थ ही अपने को याद करना है। ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे ये है रिकवरी, RECOVERY, RECOVERY, रिकवरी, रिकवरी का मतलब वसूली, ऐसे याद हो जाएगा। आगे देखते हैं रिटायरमेंट,
RETIREMENT, रिटायरमेंट का अर्थ होता है सेवानिवृत्त। 60 साल के बाद में, 58 साल के बाद में पहले था, अब 60 है, 60 साल के बाद में गवर्नमेंट जो है, जो भी पुराने कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट कर देती है, मतलब एक निश्चित आयु के बाद में उनको सेवानिवृत्ति दे देती है। सेक्शन, SECTION, सेक्शन का अर्थ होता है अनुभाग या धारा। SECTION, सेक्शन का अर्थ होता है अनुभाग या धारा। उसी प्रकार से आगे हम जो मुख्य मुख्य मीनिंग्स हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। आगे हैं सिक्योरिटी, SECURITY, सिक्योरिटी का अर्थ होता है सुरक्षा या प्रतिभूति भी इसको कह सकते हैं। जैसे हम, हमने सुरक्षा लिखा और प्रतिभूति लिखा, उसमें हम प्रतिभूति भी लिख सकते हैं, सुरक्षा भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। अगर तीसरा भी इसका कोई अर्थ होता है वो भी लिख सकते हैं। आगे है स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड का अर्थ होता है मानक। सीनियर, SENIOR, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ। सोर्स, SOURCE, सोर्स का अर्थ होता है स्रोत। उसी प्रकार से ट्रायल, TRIAL, ट्रायल का अर्थ होता है वाद या मुकदमा। इसको हम वाद भी कह सकते हैं और मुकदमा भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से है टैक्स, TAX, टैक्स का अर्थ होता है विद्यार्थियों कर। टेंडर, TENDER, टेंडर का अर्थ होता है निविदा। निविदा को हमें याद रखना है क्योंकि पत्र लेखन जो है उसमें हमारा निविदा, अधिसूचना, विज्ञप्ति ये सारे आएंगे, तो निविदा को इंग्लिश में टेंडर कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में व्याकरण का टॉपिक भी है, इसलिए निविदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंडर। ट्राइब, TRIBE, ट्राइब का अर्थ होता है जनजाति। TRIBE, ट्राइब का अर्थ होता है जनजाति। ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट, ट्रस्ट का अर्थ होता है न्यास या फिर प्रन्यास। अल्टीमेटम, ULTIMATUM, अल्टीमेटम का अर्थ होता है अंतिम चेतावनी। उसी प्रकार से अनफेयर, UNFAIR, अनफेयर का अर्थ होता है अनुचित। UNFAIR, अनफेयर, अनफेयर का अर्थ होता है अनुचित। उसी प्रकार से वेलिड, VALID, वेलिड, वेलिड का अर्थ होता है वैध। वीसा, VISA, वीसा का अर्थ होता है प्रवेश पत्र, और है प्रवेश पत्र भी बोल सकते हैं या फिर उसको पार पत्र भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से वोयलेशन, VIOLATION, वोयलेशन का अर्थ होता है अतिक्रमण। और वेरीफाइड, VERIFIED, वेरीफाइड का अर्थ होता है सत्यापित। तो विद्यार्थियों, हमने वीतक, इसे वीतक जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं एग्जाम की दृष्टि से जिनका महत्व है, मुख्य है या फिर प्रमुख है, वो हमने देखा। अब आगे की जो और बची दो चार है पारिभाषिक शब्दावली वो और देखते हैं। आगे जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, जो मुख्य मुख्य पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। आगे वी के बाद में आता है डब्लू। उसमें हम देखते हैं जैसे वारेंट, WARANT, WARANT, वारेंट।
वारेंट का अर्थ होता है WARANT, वारेंट का मतलब होता है अधिपत्र, वारेंट का अर्थ होता है अधिपत्र। उसी प्रकार से बिल, विल, WILL, विल का अर्थ होता है इच्छा पत्र। इच्छा पत्र, WILL, विल का अर्थ होता है इच्छा पत्र। एक है विटनेस, WITNESS, विटनेस, WITNESS, विटनेस का अर्थ होता है गवाह है। विटनेस को कहते हैं हिंदी में गवाह है। वर्कशॉप, WORKSHOP, WORKSHOP, वर्कशॉप, वर्कशॉप का अर्थ होता है कर्मशाला। वर्कशॉप का अर्थ क्या होता है? कर्मशाला। उसी प्रकार से आगे है वेलफेयर, WELL, वेल, फेयर, FARE, वेलफेयर, WEL, वेल, FARE, फेयर। वेलफेयर का अर्थ होता है कल्याण, वेलफेयर यानी कल्याण। इसी प्रकार से ईयरबुक, YERBOOK, ईयरबुक, ईयरबुक, ईयर यानी वार्षिक, बुक यानी पुस्तक, अर्थार्थ वार्षिकी। इसी प्रकार ईयरली, ईयरली, YERLY, ईयरली का मतलब होता है वार्षिक। ईयरली एग्जाम नहीं होती क्या? वार्षिक एग्जाम, ईयरली, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। ईयरली की से पहले एच पे आ जाए हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, ईयरली यानी वार्षिक। उसी प्रकार से जोनल, वाई के बाद में जेड पे, JONAL, जोनल। ये भी ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जोनल का मतलब होता है आंचलिक, जोनल का अर्थ होता है आंचलिक। एक ये जोन, JONE, JONE, जोन, जोन का अर्थ होता है अंचल। जोन का अर्थ क्या होता है? अंचल। उसी प्रकार से जीरो ओवर, JERROHOUR, जीरो ओवर। JERROHOUR, जीरो ओवर का मतलब होता है शून्य काल। जीरो ओवर का मतलब होता है शून्य काल। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी पारिभाषिक शब्दावली, और इस पारिभाषिक शब्दावली में हमने चर्चा की कि ऐसे लेकर के जेड तक, ऐसे लेकर के जेड तक जो भी पारिभाषिक शब्दावलियां, शब्दावलियों की जो भी मीनिंग्स थी वो सारी हमने पढ़ी। जैसा कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि आज तक जो प्रश्न आता आया है वो कैसा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित शब्द के हिंदी अर्थ लिखिए, जैसे JONE,
और दूसरा मिलेगा आपको TRUST। अब इस जोन के और ट्रस्ट के, जोन के और ट्रस्ट के, तो जैसे मान लीजिए कि प्रश्न आप निम्नलिखित शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए, क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन संख्या 7 आएगी, प्रश्न 7 दो पे आएगा और 2 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 1 नंबर का, तो ये होगा, और 2 नंबर का ये होगा। तो विद्यार्थियों आज तक जो प्रश्न आते आए हैं वो ऐसे ही आए हैं कि निम्नलिखित शब्दों की हिंदी अर्थ लिखिए, जॉन और ट्रस्ट है। तो जॉन हमारा उत्तर क्या होगा? ZONE, हमारा उत्तर होगा जॉन। हमने लिख दिया ZONE जॉन का, जॉन ये बीच वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये प्रश्न आए कि इसका अर्थ लिखिए, तो इसको लिखने के स्थान पर ये लिख दिया आंसर ZONE जॉन बराबर अनचल। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आ गया ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट का अर्थ लिख देंगे, न्यास भी लिख सकते हैं या फिर प्रन्यास भी लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है पारिभाषिक शब्दावली में सवाल करने का एग्जामिनर के द्वारा, और ये तरीका ही आज तक आता है। दूसरे तरीके से एग्जामिनर विद्यार्थी ऐसा भी लिख सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी अर्थ लिखिए, जैसे लिख दे कर, नंबर 1 को लिख दे कर और दूसरा लिख दे मानक। तो कर तो है टैक्स, TA हम लिखेंगे, कैसे लिख देंगे? आंसर हमारा क्या होगा? कर बराबर TAX, टैक्स, ठीक है। मानक है स्टैंडर्ड, STAN मानक बराबर स्टैंडर्ड, STANDARD स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से भी आ सकता है, दुश्मन चाहे कहीं से भी आ जाए, अगर हमारे पास अस्त्र शस्त्र जो भी है वो मजबूत है, हथियार अगर हमारे पास है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी मीनिंग्स जो है, ये मुख्य मुख्य मीनिंग्स जो थी विद्यार्थियों हमने देखी, इसके अलावा भी और भी कोई मुख्य मीनिंग बनती है आपको याद है या नहीं है, याद आपको करनी है। और ये 2 नंबर का जो एग्जाम का जो एग्जाम है, जो 2 नंबर के इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, अगर हम ऐसे जेड तक की सारी जो मीनिंग है वो याद कर लेते हैं तो हमारे 2 नंबर जो है बिल्कुल आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो विद्यार्थी पारिभाषिक शब्दावली में ये 2 अंक का टॉपिक का अंत होने के साथ साथ हमारा जो व्यवहारिक व्याकरण है वो पूरा क्लियर भी हो गया है। अब हमारे व्याकरण के और जो टॉपिक बचे हैं उनके साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, घर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।